सो हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं कॉलेज जा रहा था और आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप अपने कॉलेज का टूर दो, अपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसका टूर दो। तो मैंने सोचा अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो क्यों ना आपको भी साथ लेकर चलता हूँ और आपको भी अपने कॉलेज का टूर देता हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी का भी। सो गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं अपनी यूनिवर्सिटी में और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है राजशाही यूनिवर्सिटी और मेरे मेडिकल कॉलेज का नाम है बारिंद मेडिकल कॉलेज राजशाही। और ये जो यूनिवर्सिटी है राजशाही सिटी इन जनरल 250 किलोमीटर दूर है ढाका से। और अभी मैं आपको बताता हूं, ये राजशाही यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इन एरिया वाइज और इन डिपार्टमेंट वाइज भी, दोनों तरह में ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, अराउंड 60 डिपार्टमेंट्स हैं और पता नहीं कितने एरिया में फैली हुई है। पूरी तो मैं घूम नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको अपने कॉलेज का भी टूर देना है तो इससे पूरा तो घूम नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ। और इसके साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है और वो भी आपको बताऊंगा। इन सारे पेड़ पे बैग्स हैं, कोई उड़े, वो देखो यार, वो देखो इतने बड़े बैट यार, उस पेड़ पे देखो ये कितने हैं भाई, क्या कर रहे हो लटक के, आज पता नहीं क्या खा रहे। तो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप एक स्ट्रक्चर बना देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर ना, आप इसके बारे में जान के थोड़ी सी हैरानी होगी आपको। ये बना था मुझे नहीं पता कब बना था, लेकिन ये बनाया गया है जब 1970 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जंग हुई थी और जो पाकिस्तानियों के जो टैंकर्स वगैरह थे, जो उनका मतलब कोई भी जो भी टैंकर्स वगैरह थे, वो जब टूटे थे उनके पार्ट्स को, मतलब जो टूटे हुए पार्ट्स थे उनके साथ ये वाला बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। काफ़ी ब्यूटीफुल है और अभी आपको मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ जो पाकिस्तान के टाइम पे हैं यहाँ पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बड़ी है लेकिन अभी सारा कुछ बंद है और ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रश होता है, जब लॉकडाउन नहीं था तब तो काफ़ी ज़्यादा रश होता था। और अभी मैं आपको, मैं चलने में तो ये पूरे दिन में भी मुझसे कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना मेरे से अभी कवर हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में जो मुझे पता है वो आपको भी बताता हूँ। अभी ये जो एक इतना ब्यूटीफुल पाथ बना हुआ है, ये लेके जा रहा है हमें राजशाही यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है उसमें, और काफ़ी ब्यूटीफुल मस्जिद लगती है यार ये मेरे को। ये है राजशाही यूनिवर्सिटी की मस्जिद, इसी के अपोजिट वहाँ पे, वो सामने, वो है राजशाही यूनिवर्सिटी का एम्बलम। अभी हम वहाँ पे चलते हैं। जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है राजशाही यूनिवर्सिटी का एम्बलम। और अभी मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की ना थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में गलती कर देता हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1953 में और उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था ये। और जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी 6 डिपार्टमेंट्स थे, 150 के अराउंड, 160 के अराउंड यहाँ पे स्टूडेंट्स थे और साथ में सिर्फ ही सिर्फ 20 टीचर्स थे। और अभी यहाँ पे 60 डिपार्टमेंट्स हैं और टीचर और स्टूडेंट्स का तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में है और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कितने अभी टीचर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। 1960 के बाद यहाँ पे थोड़ा टेंशन स्टार्ट हो गई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश लिबरेशन वार समझ लो स्टार्ट हो गई थी 1960 में। और उस टाइम यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई और यहाँ के एक टीचर को पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया। तो यहाँ पे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई उस टाइम। और 1971 की जो जंग थी यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान की, पाकिस्तानी आर्मी ने जो राजशाही यूनिवर्सिटी थी इसमें अपना आर्मी कैंप लगाया हुआ था, वो यहाँ पे रह रहे थे। और आप देख ही सकते हो कि कितनी वर्स्ट हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी के साथ। और तब तो ये बिल्कुल छोटी सी यूनिवर्सिटी होती थी और आज ये बांग्लादेश की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। और ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था कि पाकिस्तानियों ने इस यूनिवर्सिटी में अपना बेस कैंप लगाया हुआ था जब 1971 की वार चल रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये देख लो भाई, एक जीप यहाँ पे भी पड़ी हुई है, विलीज की जीप, ये जिसको बंगाली पढ़नी आती है भाई ये पढ़ के कमेंट सेक्शन में लिख देना, देख लो। और एक तो वो वहाँ पे पता नहीं वो भी कोई गाड़ी का ही है, देखो ना, ये भी वो पाकिस्तानियों की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर ली थी और फिर यहाँ पे उन्होंने सजा के रख दिए हैं बांग्लादेशी आर्मी ने। अंधेरा पड़ने लग गया, मैंने सोचा जाते जाते आपको लाइब्रेरी वगैरह दिखा के जाऊँ
और कैंटीन का एरिया तो यहाँ पे पूछो ही मत, हर जगह पे यहाँ पे कैंटीन है। और यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको ये लाइब्रेरी वगैरह दिखा के चलता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हैं, ये भी ओपन, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी कैंटीन शॉप्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे ये सारे बैठ के चिल वगैरह मारते हैं। ऐसे तो जब लॉकडाउन नहीं था तो इस पूरे एरिए में ऐसा होता था, हर जगह पे ऐसे होते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी रश कम हो गया यूनिवर्सिटी में। तो भाई साहब, ये है यहाँ की लाइब्रेरी, राजशाही यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में सारा कुछ बंद है, लाइब्रेरी सारी बंद है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और अभी मैं चलता हूँ वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, आपको अपने कॉलेज भी दिखाना है, और मैं आपको यहाँ की राजशाही यूनिवर्सिटी की पेरिस रोड दिखा देता हूँ। ये है जी राजशाही यूनिवर्सिटी की पेरिस रोड, और अब पता नहीं ये पेरिस रोड इसको क्यों कहते हैं, कि यार ऊपर से सारे पेड़ ऐसे जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ ऊपर से कवर किया हुआ है, क्या पता है, लेकिन है काफ़ी ब्यूटीफुल रोड है ये। कॉलेज में अभी पहुंच गया हूँ, और ये हमारे कॉलेज का बैक गेट है, यहाँ से इस गेट तक मुझे हॉस्टल से पहुँचने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। और ये हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ पार्किंग है, ये भी एरिया, मतलब ये बैक साइड का एरिया है, ये भी एक कैंटीन है और एक और कैंटीन भी है। अभी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, और उसकी वजह से हमारा कैंटीन वगैरह तो अभी बंद ही है, सिर्फ हॉस्पिटल चल रहा है और एकेडमिक बिल्डिंग्स भी बंद होंगी। तो मैं अभी आपको आउटडोर दिखाता हूँ और अपना हॉस्पिटल दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है बारिन मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, और इस कॉलेज के दो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो हॉस्पिटल ये है मेन हॉस्पिटल है, ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा हॉस्पिटल जो है वो सिटी के बीच में है, यहाँ से कुछ मतलब 1-2 किलोमीटर अंदर सिटी के अंदर है। तो अभी ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है, और वो वाली जो बिल्डिंग है वो हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी हमारे हॉस्पिटल की है, आउटडोर है यहाँ पे, और बाकी ऊपर के फ्लोर्स, कुछ फ्लोर्स में क्लासेस वगैरह चलती हैं, और बाकी ऊपर तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है, अभी ये सारा लॉक हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन बांग्लादेश में चल रहा है, उसकी वजह से अभी सब कुछ एकेडमिक बिल्डिंग बंद हुई है। ये सुबह खुलता है, लेकिन अभी इस टाइम बंद है, मैं क्योंकि शाम के टाइम आया हूँ। और अगर आपको इस एकेडमिक बिल्डिंग का भी टूर चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वो भी आपको दे दूंगा। और अभी सिर्फ हॉस्पिटल खुला हुआ है, और हॉस्पिटल का मैं आपको थोड़ा बहुत टूर दे देता हूँ, और बाकी आउटडोर खुला हुआ है। अच्छा, ये है हमारा मेन गेट, और यहाँ पे ये हमारा आउटडोर, एक यहाँ पे एक एटीएम भी है, और ये हमारा है आउटडोर। अभी आउटडोर में बस 2-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे तो बिल्कुल अभी रश नहीं है। और बस एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, दिन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी शाम का टाइम है, और इस एरिया में अभी कुछ ज़्यादा रश नहीं होता है। अभी ज़्यादा रश जो भी होता है वो हमारे दूसरा जो हॉस्पिटल है सिटी वाला, वहाँ पे होता है। बाकी यहाँ से ऊपर वगैरह जाने का रास्ता, और यहाँ पे हमारे कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और बस अभी मैं आपको चलता हूँ मेन हॉस्पिटल दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है हमारा मेन हॉस्पिटल, यहाँ पर सबसे ग्राउंड फ्लोर पर है ऑर्थोपेडिक का वार्ड। बिके दाम सर आए हुए? अच्छा, और ये हमारा ऑर्थोपेडिक का वार्ड, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मतलब हद से ज़्यादा रश होता है। जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो हमारे कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं, और वो बांग्लादेश के मतलब कुछ टॉप के सर्जन हैं बांग्लादेश में, वो जो हैं सर। और हाँ, ये हैं डॉक्टर बिके दाम सर, जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हेड भी हैं। अभी तो प्रिंसिपल थी, ये लगा दिए एक्स, देखो कैसे एक्स चिपकाया ताज़ा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पे तो मतलब प्राइवेट कैबिन्स हैं, यहाँ पे हमारे प्राइवेट कैबिन्स हैं, यहाँ पे मतलब अभी तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स वगैरह हैं, और यहाँ पे सारे प्राइवेट कैबिन्स हैं। वहाँ पे हमारे कॉलेज की फार्मेसी है, और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको बाहर से बता देता हूँ, नीचे सबसे पहले ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, और बाकी अभी टॉप के फ्लोर्स तो अभी कुछ 2-3 खाली हैं, और बाकी ये सारे जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और इनके अकॉर्डिंगली वहाँ पे पेशेंट्स हैं। और बस यही है अभी तक, अभी चलते हैं हम वापस हॉस्टल।